बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपको इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। आज बीए इंग्लिश ग्रुप टू का पेपर जो है यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। ये पेपर क्यों कैंसिल किया गया, इसके पीछे की क्या रीज़न थी, अब ये पेपर कब लिया जाएगा, और दूसरा स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि अब आप हमारे जो नेक्स्ट पेपर होने हैं और इसके अलावा जो कल और परसों पेपर होने हैं, क्या वो भी कैंसिल हो सकते हैं, ये क्या उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर दें कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज जो ग्रुप वन का पेपर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो ग्रुप टू का पेपर था जो 11 बजे होना था, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने अचानक से कैंसिल कर दिया, या आप यूँ कहें उसको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। इसकी जो रीज़न पंजाब यूनिवर्सिटी ने बताई है वो ये है कि ना तो ये यूनिवर्सिटी के सर्वर में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, ना स्टूडेंट एंड से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गूगल मीट सर्वर की है। तो इस हवाले से जो है गूगल मीट सर्विस जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है इस पेपर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी का ये कहना है, लेकिन मेरे ख्याल से पेपर सस्पेंड होने की या कैंसिल होने की रीज़न ये है क्योंकि बारिशें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक दो दिन तक बारिशें जो है वो जारी रहेंगी, और बारिशों में मोस्टली देखा गया है कि इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाती, तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये पेपर जो है कैंसिल कर दिया है। अभी दो दिन जो है मज़ीद बारिशें जारी रहेंगी, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम मज़ीद भी आ सकती है, तो काइंडली आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी पेपर लेती भी है तो आप एहतियात कीजिए कि आपका इंटरनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने तो हमें ये कहकर टाल दिया है कि ये गूगल सर्वर के एंड से प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट तो ये नहीं चेक कर सकते कहाँ से प्रॉब्लम है कहाँ से नहीं है, अब ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए पहले देखें, जो बीएससी इंग्लिश ग्रुप वन का पेपर था वो बीए का आ गया, उसके बाद स्टूडेंट के पेपर सस्पेंड हो रहे हैं, उनको इंटरनेट सर्वर एरर 500 या 505 रिसीव हो रहा है, पेपर सबमिट नहीं हो पा रहा, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को फेस करना पड़ रही है, जो इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में फ़्लॉप हो चुकी है। स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, स्टूडेंट को माइंडली तौर पर जो है डिस्टर्ब किया जाएगा। यूनिवर्सिटी को अब ये देखना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का क्या फ़ायदा। ऐसे तो तमाम स्टूडेंट जो है अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम से जो है वो मुतमईन नहीं होंगे, और बाद में सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देंगे, तो फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का क्या फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, ये आपका जो अभी पेपर सस्पेंड हुआ है ग्रुप टू का, वो कब लिया जाएगा। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने अपडेट जारी की है कि हम बहुत जल्दी जो है इसके बारे में आपको अपडेट बता देंगे, क्या ये पेपर जो है ऑनलाइन दोबारा लिया जाएगा या फिर ये पेपर अब ट्रेडिशनल में लिया जाएगा, इसकी बहुत ही जल्द जो है आपको अपडेट मिल जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल को ऑन करें, ताकि जब भी इसके बारे में अपडेट आए तो आपको बता दिया जाए। दूसरा, अब जो आपके पेपर होने हैं नेक्स्ट 2 बजे वाला पेपर, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त के मुताबिक तो इतलात यही है कि पेपर जो है वो होना है। अभी मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता दें क्या आपका पेपर जो है स्टार्ट हो चुका है या नहीं। और दूसरा, जो ग्रुप बाकी ग्रुपों का पेपर है ये कल होने हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बारिशें होनी हैं और बारिशों की वजह से ये इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। तो काइंडली आप इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको मज़ीद अपडेट जो है मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।